हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कॉलम क्या होता है, कॉलम का इंट्रोडक्शन और आईएस कोड क्या चीज़ रिकमेंड करता है। और आज हम स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन ऑफ एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम। ठीक है, आईएस कोड में अब इसके बारे में और डिटेल में जो क्लोज दिया हुआ 39.3 IS 45 से वो देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है एक्सियली लोडेड क्या होता है। ठीक है, जब लाइन ऑफ रिजल्टेड लोड कॉन्साइड विद द सीजी ऑफ कॉलम इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो इसकी लाइन ऑफ सीजी है उसी से कॉन्साइड कर रहा है हमारा कॉलम का रिजल्टेंट कॉलम लोड की लाइन ऑफ एक्शन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियली लोडेड। उसमें कोई बेंडिंग मूवमेंट जनरेट नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि शॉर्ट कॉलम, एक तो एक्सियली लोडेड है और डिजाइन हम कौन सा कॉलम कर रहे हैं, शॉर्ट कॉलम। तो शॉर्ट कॉलम लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट लैटरल डायमेंशन का रेशियो अगर 12 के इक्वल है या 12 से कम है तो उसे शॉर्ट कॉलम कहेंगे। तो ठीक है, आप समझ गए, हम एक्सियली लोडेड कॉलम की बात करें जिसमें मूवमेंट जीरो है, केवल एक्सियली लोडेड कॉलम है, और शॉर्ट कॉलम की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शॉर्ट कॉलम विथ रेक्टेंगुलर टाइज, याद होगा आपको कि टाइज जो है वो दो टाइप की होती है, एक होती है रेक्टेंगुलर और एक होती है आपकी स्पाइरल। ठीक है, तो दो टाइप की होती है, अभी हम शॉर्ट कॉलम विथ रेक्टेंगुलर टाइज की बात कर रहे हैं। इफ द मिनिमम इसेंट्रिसिटी डज नॉट एक्सीड इतने टाइम्स ऑफ द लैटरल डायमेंशन, याद होगा आपको कि अगर जो आपका मिनिमम इसेंट्रिसिटी है वो हम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं एल डिवाइड बाई 500 प्लस लैटरल डायमेंशन बाय 30। और कोड कहता है कि मिनिमम 20 mm से हमें ज्यादा ही लेनी है, 20 mm ले सकते हैं या 20 से ज्यादा लेना। दोबारा से ध्यान से, इसमें कंफ्यूजन होगी, एक फॉर्मूला एक इक्वेशन दी हुई है मिनिमम इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, 20 mm दिया हुआ है कि इससे कम नहीं होना चाहिए, आईएस कोड कह रहा है। साथ में आईएस कोड कह रहा है कि जो मिनिमम कैलकुलेट करके आई है वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 0.05, तीन कंडीशन है। एक बार आप इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करोगे, ठीक है, पहले चेक करोगे 20 mm से, मान लो ये कैलकुलेट करके 19 mm आ रही है, तो आप 90 mm तो ले नहीं सकते क्योंकि मिनिमम 20 है, तो आप 20 एज्यूम कर लोगे उसे। फिर इससे चेक करोगे कि ये इसके ग्रेटर देन है या नहीं है, नहीं है तो फिर इसको नहीं लेंगे। ठीक है, फिर इसको रीडिजाइन करेंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें कि मिनिमम इंसेंट्रिसिटी आपको डिफाइन करनी है, निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, सॉरी। उसके बाद है पी यू, फैक्टर लोड कैपेसिटी ऑफ कॉलम। इसका फॉर्मूला है, दो इक्वेशन लिखी, इस इक्वेशन में दो चीज का समेशन है, एक है आपका फोर्स रेसिस्ट बाय कंक्रीट एंड फोर्स रेसिस्ट बाय स्टील, कंक्रीट एंड स्टील। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो ये स्ट्रेस है, ये एरिया है, ए सी कंक्रीट एरिया, 0.4 FC के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, 0.67 FY स्टील की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, डिजाइन स्ट्रेंथ सॉरी, एफ सी के जो है वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, उसमें 0.4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डिजाइन स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो स्ट्रेस इंटू एरिया फोर्स आ गया, तो कंक्रीट रेसिस्ट जो कर रहा है फोर्स प्लस स्टील जो रेसिस्ट कर रहा है, दोनों का सम कर देंगे तो कॉलम की कैपेसिटी निकल जाएगी। तो आप इस इक्वेशन से कॉलम की कैपेसिटी निकाल सकते हो। तो यहाँ तक कोई डाउट, इसेंट्रिसिटी मिनिमम हमने कैलकुलेट कर ली, वो 20 से कम नहीं होनी चाहिए, उसके बाद ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसके बाद हम कॉलम की कैपेसिटी इससे हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इफ द मिनिमम इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 0. अभी बताया था कि ई मिनिमम नॉट ग्रेटर देन 0.05 D, D इज लैटरल डायमेंशन। ठीक है, अगर इससे ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या है कि वो लोड जो कॉलम है वो एक्सियली लोडेड नहीं है, वो कंबाइन लोडिंग है, यानी कि एक्सियल प्लस बेंडिंग। ठीक है, तब उसे हम एक्सियल प्लस बेंडिंग के हिसाब से डिजाइन करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं केवल एक्सियल लोडेड, तो आज जितने न्यूमेरिकल करेंगे उसमें कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, यानी कि वो 0.05 D से कम ही होगी वैल्यू। ठीक है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी एज पर आईएस को 20 mm, ये बताया था मैंने, अगर आपको कॉलम की डायमेंशंस निकालनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी को आईएस कोड इतनी दे रहा है और 0.05 D से ज्यादा हो नहीं सकती, तो इनको इक्वेट करके आप डी निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, ओके, डी निकल गया हमारा, मान लो 400 mm इस इक्वेशन से। और अगर हम ये इक्वेशन लिखा ई मिनिमम कि इसेंट्रिसिटी मिनिमम की इक्वेशन लगाएं तो हमारा डी क्या निकलता है, 0.12 L। इसका मतलब है कि जितने भी कॉलम जिनकी डी 400 mm है या फिर जिनका डी 0.12 L है, वो सारे शॉर्ट कॉलम तो होंगे, साथ में वो एक्सियली लोडेड होंगे। समझ गए,
Hence, all column which have d less than 400 mm or 0.12 L, the minimum centricity will be greater than a, and hence the equation is not applicable. क्या कह रहा है, दोबारा सुन लो, कंफ्यूजन हो सकती है. आईएस कोड कह रहा है कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी 20 mm है और मिनिमम इसेंट्रिसिटी नॉट ग्रेटर देन 0.5 d, तो इन दोनों को इक्वल रख के हमें d कैलकुलेट हो गया. तो अब इससे क्या मिला हमें कि जितने भी कॉलम जिनकी d लैटरल डायमेंशन 400 से कम है. है ना, उन सब में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ग्रेटर देन वाली, यानी कि सारे के सारे एक्जैक्टली लोडेड ही होंगे, या फिर 0.12 एल से कम है उसकी लीस्ट लैटरल डायमेंशन, तो वो भी एक्जैक्टली लोडेड होंगे. तो डायरेक्टली हमें कॉलम की डायमेंशन से ही पता चल जाएगा कि एक्जैक्टली लोडेड है या नहीं है, ये कह रहा है. और ये कह रहा है कि इक्वेशन वन इज नॉट एप्लीकेबल, इक्वेशन वन वो वाली ऊपर वाली ये वाली. भाई अगर ये कंडीशन आ जाएगी ग्रेटर देन होगा इसके, ये वाली कंडीशन अगर नहीं है यानी कि ग्रेटर देन है तो वो लोडेड होगा क्या एक्सेली प्लस पेंडिंग, तो ये इक्वेशन लगेगी नहीं, ये केवल प्योर एक्सेली लोडेड के लिए है. ठीक है, ओके. शॉर्ट कॉलम विथ हेलिकल रिइंफोर्समेंट, अभी ऊपर बात कर रहे थे हम लैटरल रिइंफोर्समेंट की, अब बात कर रहे हैं हेलिकल रिइंफोर्समेंट की. द स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम विथ हेलिकल रिइंफोर्समेंट इज कैलकुलेट बाय फॉलोइंग, देखो वही इक्वेशन है जो लैटरल टाइज के लिए है, बस इसे मल्टीप्लाई कर दिया है 1.05, यानी कि हेलिकल रिइंफोर्समेंट के साथ कॉलम की कैपेसिटी बढ़ गई. क्यों? क्योंकि आप खुद ही देख सकते हो लैटरल टाइज ये होती है इस तरह से. ठीक है, ये आपका मेन रिइंफोर्समेंट है. नीचे ही मैं बना देता हूँ एक ऐसे, नीचे बना के दिखाता हूँ आपको, और ये है आपकी हेलिकल रिइंफोर्समेंट. तो इसमें रिइंफोर्समेंट भी ज़्यादा लग रहा है. ठीक है, और इस तरह से लग रहा है रिइंफोर्समेंट, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे टाइज नहीं है, यहाँ पे टाइज नहीं है, इसमें हर जगह टाइज है, कोई भी क्रॉस सेक्शन देखोगे वहाँ टाइज आ रही है. तो इसकी कैपेसिटी और डक्टिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है हेलिकल रिइंफोर्समेंट की. ठीक है, आईएस कोड भी कह रहा है इस बात को. तो बस क्या है, जो लैटरल टाइज का फॉर्मूला है एक्सेली लोडेड कैपेसिटी का, उसमें 1.05 का मल्टीप्लाई कर देना है. थोड़ी सी और टर्म्स और जान लो. डीसी के डाया ऑफ कोर, डाया ऑफ कोर, एक तो देखो क्या का टर्म है इसमें, एक तो है डाया ऑफ पूरे कॉलम का, ऑल ओवर डाया. ठीक है, एक है आपका डाया ऑफ कोर, यानी डाया ऑफ कोर में क्या है आपका यहाँ तक का क्लियर कवर माइनस कर दो, दो क्लियर कवर माइनस कर दो टोटल डी में से, तो डाया ऑफ कोर निकल जाएगा. ठीक है, अब आईएस कोड कह रहा है, आईएस कोड 146, द सेफ लोड ऑफ कॉलम विथ हेलिकल रिइंफोर्समेंट 1.05 टाइम्स द सेफ लोड ऑफ कैरिंग बाय सिमिलर कॉलम विथ लैटरल टाइज. ये कह रहा है कि दो कॉलम लो, एक में लैटरल टाइज है, स्पाइरल टाइज है, क्रॉस सेक्शन सेम है, तो जो स्पाइरल टाइज वाला है ना उसकी कैपेसिटी 1.05 टाइम्स ज़्यादा होगी. ठीक है, आगे चलते हैं. अब जब आप हेलिकल रिइंफोर्समेंट के देखिए, दो चीज़ें हैं, शॉर्ट कॉलम प्योरली एक्सियल लोडेड कॉलम को हम एक तो लैटरल टाई के लिए डिजाइन कर सकते हैं, एक स्पाइरल के लिए. लैटरल टाई के लिए ऊपर इक्वेशन देख लिया हमने, जो स्पाइरल टाइज के लिए उसे 1.05 का मल्टीप्लाई कर देंगे कैपेसिटी वाली इक्वेशन में. साथ में आपको एक चीज़ सेटिस्फाई करनी होगी जो आईएस कोड कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट और वॉल्यूम ऑफ कोर, वॉल्यूम ऑफ कोर इसका डीसी हमने निकाला था अभी. ठीक है, और ये हेलिकल जो रिइंफोर्समेंट है उसका वॉल्यूम, इनका रेशियो ग्रेटर देन होना चाहिए 0.36 ag आपका ग्रॉस एरिया, टोटल एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर. एक है आपका कोर का एरिया पाई बाय 4 डी सी स्क्वायर, -1 FC के कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और ये स्टील की है. ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको सेटिस्फाई करनी होगी जब आप स्पाइरल के लिए डिजाइन करोगे. ठीक है, अब आगे चलते हैं. कोर का आपको मैंने बताया कैसे हम डाया ऑफ कोर निकालेंगे, तो टोटल डी में से दो एंड कवर माइनस कर दीजिए, और आपका आपको डी डैश निकालना है. ठीक है, डी डैश किस लिए काम आता है इसको ध्यान से अभी समझना. डी डैश, डी कैपिटल डी टोटल डाया, डी सी कोर का डाया जिसमें से दो एंड कवर माइनस कर देंगे. डी डैश जो डी सी निकला है ना इसमें से आप हेलिकल रिइंफोर्समेंट का डाया और माइनस कर दो, यानी इनर से. या इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये है आपका मेन बार, एक दो बार बना रहा हूँ मैं. ठीक है, और भी बार होंगे, मिनिमम 6 बार होनी चाहिए हेलिकल स्पाइरल के लिए. ठीक है, बना देते हैं, चलो रफली बना लेते हैं. ग्रीन से हम बना देते हैं स्पाइरल टाइज, टच होनी चाहिए, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया टच होनी चाहिए, तो डाया के साथ बना रहा हूँ मैं. ठीक है, रफली है थोड़ा सा, ये हो गया. और ये क्या है, कंक्रीट का ओवरऑल डाया. ठीक है, डी सी की बात कर रहे हैं, डाया ऑफ कोर वो ये होता है,
ये दो क्लियर कवर, ये दो क्लियर कवर माइनस कर दोगे इसमें से आप, तो डाई ऑफ कोर निकल जाएगा। ठीक है, डी डैश है हम जब वॉल्यूम निकालेंगे ना हेलिकल रिइंफोर्समेंट को, सर्कमफेरेंस चाहिए होगा हमें, सर्कमफेरेंस डाया, तो उसके लिए उसमें क्या करना होगा आपको, ये जो है ना रिइंफोर्समेंट जो है स्पायरल का, इसका डाया भी माइनस करना होगा, इसके सेंटर टू सेंटर लेना है, तो एक बार 5/2, 5/2 यानी 5 पूरा माइनस करना, 5s का मतलब है डाया ऑफ स्पायरल। ठीक है, ठीक है, टोटल डायामीटर में से दो एंड कवर माइनस कर देंगे तो dc निकलेगा, dc में से 5s माइनस कर देंगे तो डायामीटर ऑफ सर्कमफेरेंस स्पायरल का निकल जाएगा। ठीक है, पॉज करके इस डायग्राम को समझ लेना, इसमें ही दिक्कत आती है डायग्राम को समझने में। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोर पर mm हाइट ऑफ कॉलम, कोर का अगर आपको वॉल्यूम निकालना हो तो एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, एरिया क्या है, पाई बाय 4 डीसी स्क्वायर, लेंथ क्योंकि पर एमएम है तो 1 मल्टीप्लाई कर दिया, ये निकल गया। ठीक है, आगे चलते हैं, ये वही चीज़ समझाइए जो हमने ऊपर समझाई है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट पर एमएम हाइट, ये याद रखना है, पर एमएम हाइट ऑफ कॉलम, तो क्या है सर्कमफेरेंस ऑफ स्पायरल, सर्कमफेरेंस क्या होता है पाई डी डी डैश इंटू एरिया ऑफ स्पायरल। ठीक है, और डिवाइड बाय पिच, तो आपका क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम हेलिकल रिइंफोर्समेंट पर एमएम। दोबारा से इसको थोड़ा सा और हम यहाँ समझते हैं, ये है आपकी स्पायरल टाइज और ये होती है आपकी पिच स्पेसिंग। ठीक है, जब वॉल्यूम निकालोगे आप इसका, उसको डिवाइड कर दोगे पिच से, तो वो पर एमएम आपका निकल जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम पर एमएम, तो वही यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, पैरामीटर मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइड बाय पिच। अब ये है डिजाइन स्टेप कॉलम के। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं, फैक्टर लोड गिवन होगा, मटेरियल गिवन होगा, परसेंटेज ऑफ स्टील आपको एज्यूम करना है, जो आपको कॉलम में दिया हुआ है 0.8 to 4% के बीच में एज्यूम करना है। अगर आपने ये चीज एज्यूम कर ली तो एएससी आपका निकल जाएगा। ठीक है, डिटरमाइन एसी इन टर्म ऑफ एजी, एजी क्या है टोटल एरिया, ग्रोस एरिया, एसी क्या है कंक्रीट का एरिया। ठीक है, कंक्रीट का एरिया बराबर क्या होता है टोटल एरिया में से स्टील का एरिया माइनस कर दिया, स्टील आपने एज्यूम कर लिया है, टोटल एरिया आपको पता है तो कंक्रीट का एरिया निकाल लोगे, नॉर्मल बात है। फिर आप इससे कैपेसिटी निकाल लोगे इस इक्वेशन से। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर ए एस सी की वैल्यू आप पुट कर दोगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपको ए एस सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये ए जी की फॉर्म में आ जाएगा और हम ए जी निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया तो समझो दोबारा से, पी की वैल्यू अगर इस इक्वेशन को दोबारा देखते हैं ऊपर जाकर, ठीक है, यहाँ थोड़ी यहाँ पे देखते हैं, इस इक्वेशन में एरिया ऑफ कंक्रीट है, एरिया ऑफ स्टील है। ठीक है, एरिया ऑफ कंक्रीट हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल एरिए में से माइनस कर दो ए एस सी, एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, तो ये इक्वेशन किसकी फॉर्म में आ जाएगी, ए जी प्लस ए जी और ए एस सी की फॉर्म में आ जाएगी। अब ए एस सी बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील मल्टीप्लाई ग्रॉस एरिया। ठीक है, अब ए सी की जगह पे ये पुट कर दो तो ये टोटल इक्वेशन ए जी की फॉर्म में आ जाएगी, और पी यू गिवन हो तो ए जी निकाल सकते हो आप, यही उसमें हम बता रहे हैं। ठीक है, वही मैं यहाँ पे बता रहा था। ठीक है, फोर्थ स्टेप, कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ कॉलम एज पर स्क्वायर है, अगर आपने स्क्वायर है तो निकल ही जाएगा ए जी, अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो स्क्वायर है तो निकल जाएगा, रेक्टेंगुलर है तो आपको एक डायमेंशन एज्यूम करनी होगी, दूसरी आपकी ए जी से निकल जाएगी। प्रोवाइड एरिया ऑफ इन्फोर्समेंट ए एस सी फिर प्रोवाइड कर देंगे, और लेटरल टाइज एज पर आई एस कोड हम डिजाइन करेंगे, न्यूमेरिकल करते हुए सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। डिजाइन लैटरल टाइज जो लिखा, चलो बात बता देता हूँ, लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर लैटरल टाइज हो या स्पायरल टाइज हो तो उनकी स्पेसिंग कितनी आई एस कोड रिकमेंड कर रहा है, उनको डाया कितना रिकमेंड कर रहा है, वहीं से वो डाटा उठाना है आई एस कोड से, या फिर हमें निकाल लेना है ये लैटरल टाइज और स्पायरल टाइज। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ कॉलम इज गिवन देन कैलकुलेट इफेक्टिव लेंथ ऑन द बेस ऑफ कंडीशन, ये तो पता है भाई, लेंथ अगर गिवन है और कंडीशन सपोर्ट कंडीशन अगर हमें दिए से कि अगर फिक्स सपोर्ट है तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, जो लास्ट लेक्चर में पिन सपोर्ट है तो क्या होगी, सपोर्ट कंडीशन गिवन है, लेंथ गिवन है, तो आप इफेक्टिव लेंथ निकाल सकते हो, उससे पता कर सकते हो कि लॉन्ग कॉलम है कि शॉर्ट कॉलम, और इसेंट्रिसिटी मिनिमम इसेंट्रिसिटी से भी आप पता कर सकते हो कि एक्सियली लोडेड है कि एक्सियली प्लस बेंडिंग है। ठीक है, अच्छा, यूज ऑफ डिजाइन एट एस पी 16 जो कोड है आपका, उसमें आप डायरेक्ट कुछ वैल्यू निकाल सकते हो चार्ट से, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको अभी हम पेंडिंग पे छोड़ देते हैं। डिजाइन एड्स,
चलिए अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल, ए रेक्टेंगुलर कंक्रीट शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉलम गिवन है क्वेश्चन में, साइज भी गिवन है तो एज निकल जाएगा, हैज फोर बार ऑफ 20 mm डाया, ए एस सी भी निकल जाएगा, ए जी भी निकल जाएगा और ए एस सी भी निकल जाएगा। डिटरमाइन द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, ई यू हमें निकालना है, एफ सी के दिया हुआ है, एफ वाई दिया हुआ है और ये कह रहा है कि ई मिनिमम लेस देन ये, यानी कि ये भी हमें पता चल गया कि एक्सियली लोडेड है तो कौन सी इक्वेशन लगानी है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में ई मिनिमम लेस देन 0.05D गिवन है, ये हमें इंडिकेट करता है कि कॉलम जो है हमारा प्योरली एक्सियली लोडेड है। अगर जब प्योरली एक्सियली लोडेड है तो वो इक्वेशन जो ऊपर हमने पी यू वाली थी वो लगानी है और पी यू हमें निकालना है। ठीक है, 400 mm गिवन गिवन, ए एस सी निकल जाएगा इतना, ए जी निकल जाएगा इतना, एफ सी के गिवन है, एफ वाई गिवन है, एरिया ऑफ कंक्रीट क्योंकि उस इक्वेशन में चाहिए तो ग्रॉस एरिया 400 by 400 1600 ये आ गया, माइनस ए एस सी ए माइनस कर देंगे तो ये आ गया इतना mm² एरिया ऑफ कंक्रीट। अब लोड ऑन कॉलम कैपेसिटी 0.4 एफ सी के ए एस सी ए सी प्लस 0.65 एफ वाई ए एस सी, सारी वैल्यू हमें गिवन है, हमने इसमें डाली तो कैपेसिटी निकल गई हमारी 1619.3 kN। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी हमारी कॉलम की ये है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन डिजाइन का नहीं था, ये न्यूमेरिकल जो था आपका था सिंपली लोड कैपेसिटी हमें निकालनी थी कॉलम की, सब चीज गिवन था, इसमें इक्वेशन लगानी थी। बस मैं आपको बता दूं जो न्यूमेरिकल में लास्ट में लिखा हुआ है, एज्यूम ई मिनिमम, ये इंडिकेट करता है कि प्योरली एक्जैक्टली लोडेड कॉलम है और हमें ये इक्वेशन लगानी है। सेकंड न्यूमेरिकल, फाइंड द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालनी है हमें, तो इसमें भी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालनी है, वही इक्वेशन पीयू वाले के लिए, लेकिन इसमें एक और चीज दिए हुए, अलाउएबल लोड फॉर शॉर्ट कॉलम। ठीक है, साइज गिवन है, रिइंफोर्समेंट भी गिवन है, कंक्रीट और स्टील भी गिवन है और ये भी बता रहा है कि वो एक्सियली लोडेड है। देखते हैं, चलिए इसमें बी गिवन है, डी गिवन है, ए एस सी एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे, 4 × π/425² 1964 mm² आ गया। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 20 N/mm² गिवन है, स्टील की स्ट्रेंथ भी गिवन है 415 N/mm², ग्रॉस एरिया 500 × 500 हम निकाल लेंगे यहाँ से, और कंक्रीट का एरिया हम ग्रॉस एरिया में से एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे। अगर मान लो एरिया ऑफ स्टील नहीं गिवन होता तो हम एज्यूम कर लेते 0.8 to 4% में से। ठीक है, फिर हम इसको माइनस करके एरिया ऑफ कंक्रीट निकाल लेते हैं। इसेंट्रिसिटी गिवन है हमें, तो पी यू की क्वेश्चन में लगा दी 0.4 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 एफ वाई ए सी, जिससे हमारी कैपेसिटी निकल चुकी है। बट इसमें पूछा हुआ है अलाउएबल, तो कुछ नहीं अलाउएबल में कुछ नहीं करना, तो हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर लेना है और हमारी ये निकल जाएगी 1686.92 kN। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एन आर सी सी शॉर्ट कॉलम का साइज दिया हुआ है, इस कैरिंग फैक्टर लोड भी दिया हुआ है, डिजाइन द कॉलम एज्यूमिंग इतना इतना, इसको हमें डिजाइन करना है। अब डिजाइन में क्या करना है, एरिया ऑफ स्टील निकालना है क्योंकि क्रॉस सेक्शन गिवन है, लोड गिवन है, इसेंट्रिसिटी की कंडीशन बता रहा है, कंक्रीट भी गिवन है, स्टील भी गिवन है। ठीक है, बी 400 mm, डी 500 mm। ठीक है, पी यू दिया हुआ है 3000 kN, ई मिनिमम लेस देन है 0.05D के, एफ सी के 25 N/mm² और एफ वाई 415 N/mm². एरिया ऑफ स्टील निकालना है हमें। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे, ये इक्वेशन आपको पता है, इस इक्वेशन में क्या क्या चीज़ नॉन है। ठीक है, मैं ग्रीन टिक कर रहा हूँ जो जिस पे नॉन है, ये पता है हमें, ये हमें पता है, एफ वाई हमें पता है, एरिया ऑफ कंक्रीट नहीं पता हमें। ठीक है, ये हमारे लिए अननोन है, ये अननोन है और ये अननोन है। ठीक है, अच्छा एरिया ऑफ कंक्रीट कैसे निकलता है, ग्रॉस एरिया में से ए एस सी माइनस कर देंगे तो ये किसकी फॉर्म में आ गया, ग्रॉस एरिया तो पता है हमें, क्रॉस सेक्शन से निकल जाएगा, तो इसको अगर हम इसमें पुट कर दें तो ये पूरी इक्वेशन ए एस सी की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई, देखो पी यू गिवन था हमें, 0.4 एफ सी की गिवन है और हमने ये ए सी बराबर ये था आपको, यहाँ से हमने पुट कर दिया ये। ठीक है, और ये सारी चीज़ गिवन है तो ए एस सी यहाँ से निकल जाएगा 37 30.6 mm² एरिया ऑफ स्टील निकल गया। 25 mm डाया हमने एज्यूम किया, फिर उसका एक बार का हमने एरिया निकाला, 490 mm² आ गया। अब नंबर ऑफ बार निकालने के लिए
टोटल एरिए का डिवाइड कर दिया 490 से, टोटल 7.6 आ रहा है, जो राउंड अप करके 8 बार्स आ गया। तो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम, 8 बार्स 25 mm डाया के, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब लैटरल टाइज की बात करें तो लास्ट लेक्चर में याद करो, लैटरल टाइज का डाया निकालने के लिए दो कंडीशन थी, 1/4 ऑफ मेन बार का डाया, मेन बार 25 है तो 6.25 निकल गया, और सेकंड 26 mm, इन दोनों से कम नहीं होना चाहिए हमारा क्या डायमीटर ऑफ लैटरल टाइज। तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, 8 mm हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ओके। अब ये जो लैटरल टाइज है, दोबारा से बात कर ले, कॉलम ये है आपका, ठीक है, ये आपका है मेन रिइंफोर्समेंट जिसका डाया कितना है 25, और आपका ये है स्टीरअप जिनका डाया कितना हमने एज्यूम कर लिया 8 mm। अब हमें निकालनी है पिच, ये स्पेसिंग, फिर ये डिजाइन हो जाएगा। पिच की भी लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, पिच फॉर लैटरल टाइज अलग और पिच फॉर स्पाइरल टाइज अलग, ठीक है। तो क्या कहता है, लीस्ट लैटरल डायमेंशन 400x500 का हमारा कॉलम है तो 400 लीस्ट हो गई, 16.5 से 400 निकल के आ गया 16x25, ठीक है, और 300 mm, इन तीनों शुड नॉट बी लेस देन फॉलोइंग। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया 300। तो अब लैटरल टाइज हम क्या प्रोवाइड करेंगे, 8 mm का डाया 300 mm की स्पेसिंग पे। तो मेन रिइंफोर्समेंट क्या निकला था हमारे, 25 mm का डाया और 8 बार, ठीक है, और हमारा लैटरल टाइज 8 mm का डाया 300 की स्पेसिंग में। अब देखो यहाँ पे हमने दो लैटरल टाइज, हमने यहाँ पे ऐसे ऐसे एक ये और एक ये, केवल यही क्यों नहीं छोड़ी हमने, क्योंकि अगर ये छोड़ते तो लास्ट लेक्चर में याद करना कि मेन रिइंफोर्समेंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे हम लैटरल टाइज यहाँ प्रोवाइड करेंगे तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो इसलिए हमारा बेटर है कि इस तरह से स्टीरअप लगाना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ए शॉर्ट कॉलम आरसीसी स्क्वायर कॉलम दिया हुआ है, इसमें साइजिंग दिया हुआ, क्रॉस सेक्शन नहीं है, रिक्वायर कैरिंग लोड कैपेसिटी गिवन है, डिजाइन करना है, एक्सेल लोडेड है, इस कंडीशन से हमें पता चलता है M20 और माइल्ड स्टील है। तो PU गिवन है, ई मिनिमम गिवन है, FCK गिवन है, FY गिवन है। याद करो मैंने बताया था कि अगर D गिवन नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे, ई मिनिमम को इक्वल रख देंगे 20 mm की, क्योंकि आई एस कोड कहता है 20 mm से लेस देन नहीं होनी चाहिए, इक्वल हो जाए वाली, तो डी निकल गया हमारा 400 mm। एज्यूम कर लिया परसेंटेज ऑफ स्टील 0.8, जिससे हमारा निकल गया ए एस सी, किसकी फॉर्म में, ए जी की फॉर्म में, ग्रॉस एरिया की फॉर्म में, ठीक है। अब तो कंक्रीट का एरिया निकल गया ए जी माइनस ए एस सी, ये निकल गया ए जी की फॉर्म में, ठीक है। दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, हमारे पास ये इक्वेशन है और हमें कॉलम डिजाइन करना है, हमें पी यू गिवन है, एफ सी के गिवन है, ये गिवन है, ये पता है, ये पता, ए एस सी हमने एज्यूम कर लिया किसकी फॉर्म में, ए जी की फॉर्म में निकाल लिया, ए सी भी किसकी फॉर्म में निकाल लिया, ए जी के टर्म में निकाल लिया। अब ये सारी इक्वेशन ए जी के टर्म में आ गए, तो ए जी हमने निकाल लिया, और डी हमने एज्यूम कर लिया था 400 mm यहाँ से निकाला था ये, तो हमारा बी निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये देखो ए जी ग्रॉस एरिया निकल चुका है, डी हमें 400 mm है, तो बी हमारा 452 हो गया, और हमने अडोप्ट जो किया है साइज वो एक स्क्वायर कॉलम कर लिया 460x460, क्योंकि ऊपर दिया हुआ था न्यूमेरिकल में डिजाइन है स्क्वायर कॉलम, ठीक है। तो 460x460 का कॉलम कर लिया है, स्टील हमने 0.08% था हमारा ग्रॉस एरिया का, तो स्टील भी निकल गया 1693 mm², 20 mm का डाया एज्यूम किया, एक बार का डाया निकाला, टोटल एरिया से हमने डिवाइड कर दिया, 6 बार निकल गए, तो प्रोवाइड 6 बार 20 mm डाया, उससे ए एस सी हम निकाल लेंगे, तो आखिरी में फाइनल ए एस सी क्या आ गया 1884 mm², क्योंकि हम राउंड अप करते हैं ना, यहाँ पे 6 नहीं आया होगा, कुछ 5 समथिंग आया होगा, राउंड अप करके 6 आ गया, इसलिए एरिया ऑफ स्टील दोबारा निकालना होता है, ठीक है। लैटरल टाइज वही दो कंडीशन, 6 mm का डाया हमने एज्यूम कर लिया, स्पेसिंग अभी लास्ट न्यूमेरिकल में जो की थी 3 कंडीशन, 300 mm हमने ले लिया इसमें से, ठीक है। तो अब हमारा क्या आ गया, प्रोवाइड 6 mm डाया बार 300 mm की स्पेसिंग पे, तो न्यूमेरिकल भी हो गया। इस न्यूमेरिकल में जो नई चीज़ थी वो ये थी कि क्रॉस सेक्शन गिवन नहीं था, क्रॉस सेक्शन नहीं है इसमें, तो हमने क्या किया था, इससे डी निकाला, फिर इस इक्वेशन को पूरा ए जी की फॉर्म में ले लिया, और ए जी से हमें डी पता है और हमने बी निकाल लिया, ठीक है, इसमें नई चीज़ ये थी। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपको एक सर्कुलर स्पाइरल वाला कॉलम डिजाइन करना है, लास्ट न्यूमेरिकल है, इसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा।
तो डिजाइन ए सर्कुलर कॉलम ऑफ डायमीटर 400 mm सब्जेक्टेड टू लोड इतना, डी गिवन है, पी यू गिवन है, स्पायरल टाइज, ओके स्पायरल टाइज के लिए करना है हमें, कॉलम की लेंथ 3 meter है, इफेक्टिवली हेल्ड पोजिशन एट बोथ एंड बट नॉट रिस्ट्रेन। देखो यहाँ समझने वाली क्या बात है, लेंथ गिवन है 3 meter और एंड सपोर्ट जो है बोथ पोजिशन पे फिक्स है बट बोथ नॉट रिस्ट्रेन अगेन रोटेशन, इसका मतलब फिक्स नहीं है, पिन सपोर्ट है। तो एल इफेक्टिव कितनी हो जाएगी, दोनों एंड अगर पिन है तो एल के बराबर ही होगी, ठीक है। तो L गिवन है, P गिवन है, D गिवन है, FCK गिवन है, FY गिवन है, इफेक्टिव लेंथ मैंने बताया अभी कि अगर दोनों पिन सपोर्ट हैं तो इक्वल होगी L के, स्लेंडरनेस रेशियो L बाय D 3000 बाय D 7.5 आ रहा है, 12 से कम है तो ये डिज़ाइन होगा ऐसे शॉर्ट कॉलम, मिनिमम इसेंट्रिसिटी हमने इस इक्वेशन से निकाली तो निकल गया 19.33, पर IS कोड कहता है मिनिमम 20 mm, तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे 20 mm, एडोप्ट कर लेंगे 20 mm। अब 20 mm एडॉप्ट कर लेंगे तो ये कंडीशन हम चेक करते हैं तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई होता है, तो ये आपका एक्सियली लोडेड कॉलम है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है एरिया ऑफ स्टील। देखो मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, अपलोड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, एडिटिंग करनी बहुत मुश्किल हो जाती है, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, आप रोक रोक के इसको देख लेना, ठीक है। एरिया ऑफ स्टील ASC निकालना है हमें, पी यू हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि वहाँ पे लोड कैपेसिटी दी थी, फैक्टर लोड कैपेसिटी नहीं दी थी तो ये निकल गई। स्पायरल के लिए याद हो आपको, स्पायरल के लिए कैपेसिटी बढ़ जाती है तो हम 1.05 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक क्वेश्चन में देखो क्या करना क्या है, AG आप निकाल लोगे, डाया दिया है तो निकल गया, ASC को AG की फॉर्म में, ASC की फॉर्म में ले लिया और यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो पूरी क्वेश्चन किसकी फॉर्म में आ गई आपकी, ASC की, तो ASC निकल गया 1793। फिर परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लो, परसेंट ऑफ स्टील क्या निकलेगा, एरिया जो निकला ASC डिवाइड बाय AG ग्रॉस एरिया मल्टीप्लाई बाय 100, 1.43, और मिनिमम हमारा क्या होता है 0.8 up to 4, तो ये लाई कर रहा है इसके बीच में, तो यानी कि करेक्ट है। यूजिंग 20 mm डाया, एक डाया का एरिया है इतना, तो टोटल एरिया से स्टील के डिवाइड कर देंगे 1 डाया, तो हमारा 4.76 bar हमने एज्यूम कर लिया, 5 क्यों नहीं किया इसे राउंड ऑफ करके, क्योंकि मिनिमम 6 तो चाहिए ही हमें ना स्पायरल के लिए, और सर्कुलर कॉलम में मिनिमम 6 bar होते हैं, तो प्रोवाइड 6 bar 20 mm डाया के, ठीक है। फिर उनका एरिया, एक्चुअल एरिया 1884 mm निकल गया। अब हेलिकल रिइंफोर्समेंट में याद करो, एक कुछ नहीं है, सिंपल है, बस वो जो कंडीशन जो बताई थी ना IS कोड ने, वो इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले कोर का डाया निकाल लिया आपने, 400 में से 2 क्लियर कवर माइनस किए 300 निकल गया, और क्लियर कवर भी एज्यूम किया हुआ 50 mm, ठीक है। एरिया ऑफ कोर निकाल लेंगे, ठीक है, कोर का एरिया कैसे निकाल लेंगे, जो आपका कोर का डाया है उससे एरिया निकल के उसमें से स्टील माइनस कर देंगे, तो कंक्रीट जो कोर में जो कंक्रीट है उसका एरिया निकल जाएगा। पिच एज्यूम कर ली, ठीक है, अच्छा वॉल्यूम ऑफ कोर पर पिच, एक पिच में कोर का वॉल्यूम, ये एक वॉल्यूम है, ठीक है, इसको पिच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पर पिच वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इनटू पिच, ठीक है। दोबारा से इसको समझ लोगे, नहीं आ रहा है तो ये है, ठीक है, इस सेक्शन पे एरिया ये है, अब हमें निकालना है इतने का वॉल्यूम, तो ये एरिया है और ये पी है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो पर पिच वॉल्यूम आ जाएगा ना। Using 8 mm for spiral, volume of one spiral pitch per pitch, तो area of one 8 mm का डाया है spiral reinforcement जो लगेगा, ठीक है, जो spiral लगेगा इससे, तो उसका area इस तरीके से आ जाएगा और multiply by उसकी circumference से multiply कर देंगे, जो आपको starting में निकाला था, अगर मैं ऊपर करके ले चलूँ, ये आपका ये वाला ये निकाला था ना यहाँ पे सर्कमफेरेंस डायया, इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका ये निकल जाएगा वॉल्यूम। यहाँ पे ठीक है, ये जो किया हुआ ठीक है, तो ये निकल गया वॉल्यूम ऑफ वन स्पायरल पर पिच निकल गया हमने, एरिया इनटू सर्कमफेरेंस ये निकल गया। वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट ये है, वॉल्यूम ऑफ कोर ये है आपका, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये इक्वेशन IS कोड कह रहा है कि ये इससे ग्रेटर देन ये इक्वेशन होनी चाहिए, इसमें ए जी आपको पता है, ए सी आपको पता है, एरिया ऑफ कंक्रीट, एफ सी के एफ वाई पता है, पी हम निकाल लेंगे, पी क्या आ गई 37 mm, ठीक है,
अब देखो क्या है कि मैक्सिमम पिच का साइज या 75 शुड नॉट बी मोर देन 75 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और कोर डाया बाय 6 नहीं होना चाहिए। तो 75 और 50 mm आ गया, तो इनमें से कौन सा लेंगे हम अभी बताते हैं। पहले मिनिमम देख लेते हैं, मिनिमम पिच 25 mm और 3/5 24, मैक्सिमम लिमिट ये है, मिनिमम लिमिट ये है, निकल के आ रहा है 37, तो हम इसको 40 ले लेते हैं। 40 इसमें भी लाई कर रहा है, इन दोनों से कम है और इन दोनों से ज़्यादा है, तो 40 हमने ले लिया। तो प्रोवाइड 8 mm डाया ऑफ स्पायरल एट 40 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, इस तरीके से। ये आपका टोटल डाया, ये है मेन इन्फोर्समेंट 6 बार 20 mm डाया का, स्पायरल है आपका, जो स्पायरल के आपका पिच का जो डिस्टेंस है वो 40 mm है, ठीक है। इस तरह से करेंगे। एक बार में इसमें जो मेन मेन बातें जो यूज हुई है ना वो मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। इसमें एक तो ये याद रखना कि जब स्पायरल के डिजाइन करोगे तो इसमें पीवी में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा सीधा इस पे चलते हैं, ये इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई करनी, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को लेस देन इक्वल टू इसके होना चाहिए। इस इक्वेशन का सबसे नोन है ए जी ग्रॉस एरिया, ए सी कंक्रीट एरिया, एफ सी के कैरेक्टर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, एफ वाई स्टील की स्ट्रेंथ। ये देखना है हमें। इसमें कह रहा है वॉल्यूम ऑफ कोर, इसको पहले इस वाले टर्म को लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोर, कोर का डाया तो निकालना आता है डी सी इसकल टू डी माइनस टू क्लियर कवर, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम निकालना है तो इसे मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, पी का। और अगर हम वॉल्यूम हेलिकल स्प्रिंग निकालें तो वॉल्यूम ऑफ एरिया ऑफ वन पिच वन स्पायरल मल्टीप्लाई बाय सर्कमफेरेंस, इससे ये निकल जाएगा। इनको हम डिवाइड करेंगे तो ये निकल जाएगा, यहाँ से हम पिच निकाल लेंगे। पिच आए 37, मैक्सिमम और मिनिमम आई एस कोड ये करता है 37 में, अगर हम राउंड ऑफ करके 40 लें तो 40 दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो स्पायरल का हमारा ये आ गया है। तो यही आने वाला जो भी अपग्रेड पे लाइव लेक्चर होगा उसमें यही चीज़ डिस्कस होगी, ठीक है। तो उसको पढ़ लेना, समझ लेना, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, उसे कमेंट में मैं क्लियर कर दूँगा। तो थैंक यू सबके लिए।